कर्नाटक के प्रथम हिंदी न्यूज चैनल केपी न्यूज 24/7 के कार्यालय में केपी न्यूज के संस्थापक निदेशक एवं कांग्रेस के सीनियर नेता डॉक्टर मोहम्मद अयाज खान की ओर से गुरुवार 4 अप्रैल को शाम में सभी रोजेदारों के लिए दावत इफ्तार का आयोजन किया गया। साथ ही सभी के लिए भोजन की व्यवस्था की गई। इस दावत इफ्तार में मुख्य अतिथि कर्नाटक के कैबिनेट मिनिस्टर फॉर फॉरेस्ट एंड इकोलॉजी एवं विदर्भ के इंचार्ज मिनिस्टर ईश्वर खंडे, कैबिनेट मिनिस्टर म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन एंड हज रहीम खान के अलावा बीदर लोकसभा सीट से कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार युवा नेता सागर खंडे, बीदर जिला कांग्रेस समिति के अध्यक्ष एवं बुडा चेयरमैन बसवराज जॉबशेट्टी, अरविंद कुमार अरली एमएलसी, 5 गारंटियों के जिला अध्यक्ष अमृत राव चिमकोड़े, बीदर सीएमसी के चेयरमैन मोहम्मद गौस, कांग्रेस नेता मन्नान सेठ, सलाम पाशा मन्ना खेली, मछली पालन विभाग कर्नाटक की राज्य अध्यक्ष नेता माला बी नारायण बसवा कल्याण, एसके फेरोज मूनलाइट, श्रीकांत स्वामी, एनएसयूआई स्टेट जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद फेरोज खान, बीदर वार्ड नंबर 32 के काउंसलर मोहम्मद नवाज खान, बीदर के एक्टर मोहम्मद अयान खान, उल्मा के अलावा भारी संख्या में मीडिया पर्सन, नगर सभा के काउंसलर्स आदि के अलावा केपी न्यूज के स्टाफ मेंबर्स उपस्थित रहे। इनके अलावा भारी संख्या में वरिष्ठ व्यक्ति और नेतागण के अलावा रोजेदार उपस्थित थे। सभी ने रोजा इफ्तार किया और भोजन किया। इस अवसर पर विशेष दुआ की गई और नमाज मगरिब पढ़ी गई। इस अवसर पर मंच पर उपस्थित सभी अतिथियों का सम्मान किया गया। केपी न्यूज के चीफ एडिटर मोहम्मद यूसुफ खान और सीईओ समीर खान ने सभी अतिथियों और रोजेदारों का स्वागत किया। इस अवसर पर कैबिनेट मिनिस्टर फॉर फॉरेस्ट एंड इकोलॉजी एवं बीदर इंचार्ज मिनिस्टर ईश्वर खंडे ने संबोधित करते हुए रमजान और रोजे के महत्व के बारे में बताया और मुस्लिम समुदाय को रमजान की बधाई दी। साथ ही डॉक्टर मोहम्मद अयाज खान, मोहम्मद फेरोज खान और मोहम्मद नवाज खान को इस दावत इफ्तार के आयोजन के लिए बधाई दी। ईश्वर खंडे ने केपी न्यूज की प्रशंसा की और इसके संस्थापक निदेशक डॉक्टर मोहम्मद अयाज खान और पूरे स्टाफ को बधाई दी। इस अवसर पर कैबिनेट मिनिस्टर फॉर म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन एंड हज रहीम खान ने संबोधित करते हुए डॉक्टर मोहम्मद अयाज खान और मोहम्मद नवाज खान और फेरोज खान को इस दावत इफ्तार के आयोजन के लिए बधाई दी और सागर खंडे के बारे में बताया। इस अवसर पर अमृत राव चिमकोड़े ने भी संबोधित किया। इस अवसर पर बीदर लोकसभा सीट के कांग्रेस उम्मीदवार सागर खंडे ने भी संबोधित किया और उन्हें इस दावत इफ्तार में बुलाने पर डॉक्टर मोहम्मद अयाज खान, मोहम्मद नवाज खान और मोहम्मद फेरोज खान को बधाई दी और उनका धन्यवाद किया। इस पूरे कार्यक्रम की कार्रवाई केपी न्यूज की एंकर आयुषी विजयवर्गिया ने चलाई। केपी न्यूज के संवाददाता असलम खान और कैमरामैन पप्पूराज का कवरेज। आज के इस इफ्तार सभा इसके आयोजक हमारे अयाज भाई, फिरोज भाई और नवाज भाई, इस कार्यक्रम में उपस्थित मेरे मित्र नगर पालिका के मंत्री श्री रहीम खान जी, जिला कांग्रेस समिति के अध्यक्ष, बुड़ा के अध्यक्ष श्री बसवराज जॉबशेट्टी जी, हमारे इम्प्लीमेंटेशन कमेटी के अध्यक्ष श्री अमृत राव चिमकोड़ जी, विधान परिषद के सदस्य मेरे मित्र श्री अरविंद अरली जी, श्री पंडित राव चिदरी, नगर पालिका के अध्यक्ष श्री मोहम्मद जोश, बसराज मालगे जी, आज हम सब लोग एक पवित्र कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं। ये हमारे मुस्लिम भाइयों के लिए पवित्र महीना है। इस महीने में पूरे विश्व भर में हमारे भाई लोग जो है ना रोजा रहते हैं, उपवास रखते हैं, यहां पर दान धर्म करते हैं, जकात बोलते हैं, इबादत करते हैं, प्रार्थना करते हैं, यहां पर कुरान शरीफ का पठन होता है। तो इसका मतलब यह है कि ऊपर वाले से, अल्लाह से, भगवान से एक नाता जुड़ जाता है। जो हर साल में हम लोग जो बहुत ही प्रेशर में काम कर रहे हैं, टेंशन में काम कर रहे हैं, किसी भी तरह हो, इस आधुनिक युग में तो हम देखते हैं किस तरह से पैसे कमाना चाहिए, किस तरह से हम लोग कुर्सी प्राप्त करना चाहिए, कीर्ति प्राप्त करना चाहिए। ऐसी परिस्थिति में इंसान इंसानियत खो बैठा है। हमारे अंदर जो भी गलतियां हैं, जो भी हम लोग जो है ना एक तरह का अलग सा बस में फ्री प्रयाण करने का व्यवस्था किए हैं। अनुभागी कार्यक्रम में 5 किलो जो ज्यादा चावल देना था है, और पूरे कर्नाटक राज्य में
56,000 करोड़ रुपए हमारे बजट में हमने ज्यादा अनुदान 3,700 करोड़ रुपए अनुदान देके यहाँ पर जो मोरारजी देसाई का शालाएं 10 शालाएं हमने यहाँ पर मंजूराती किए हैं, अब्दुल कलाम क्या शालाएं 60 स्कूल हमने मंजूराती कराए शैक्षणिक प्रगति करने के लिए। बहुत से लोग बोलते हैं आपको कांग्रेस जो ना दिशामूल करने के लिए हमारे जो मतलाता है हमारे जो सही में हमारे उनमें बात नहीं है, एक लोकतंत्र है तो इसमें अधिकार में जब आते हैं तो अच्छा काम करना चाहिए, सभी को साथ में लेके जाना चाहिए, ये बात है, वो लोग नहीं कर रहे। इसलिए यहाँ के लोगों को दिशामूल करने की कोशिश जो लोग करेंगे कुछ लोग करेंगे, इसलिए मैं आपको कहना चाहता हूँ हमारे कार्यक्रम सभी वर्ग के लोगों के लिए, सभी समुदाय के लोगों के लिए, अल्पसंख्यक लोगों के लिए है। मजहब नहीं सिखाता आपस में पैर रखना, हिंदी हम मतलब हिंदुस्तान हमारा कहा है तो मैं हम सब लोग शांति अमन के साथ हम लोग रह रहे हैं, भाईचारे के साथ रह रहे हैं। कर्नाटक राज्य ये पूरा एक शांति का बगीचा है, क्या है, शांति का बगीचा है। यहाँ पर हर समुदाय के लोग भाईचारे के मैं सबसे पहले हमारे अयाज भाई और पूरी टीम को मैं आज इफ्तार पार्टी बहुत ही शानदार तरीके से हम सबको बुला के खासकर एमपी कैंडिडेट सागर जी के लिए स्पेशली इनवाइटी आप थे तो मैं उनको बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। और हमारे अरविंद एमएलए एजेंसी हैं, अमृत साहब है और हमारे जाप शेट्टी साहब, इस तरफ से सभी मंच पे यहाँ पे वीआईपी आए थे तो मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। खासकर रमजान के महीने में कितना बोले तो भी कमी, इस तरफ से सभी मंच पे यहाँ पे वीआईपी आए थे तो मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। खासकर रमजान के महीने में कितना बोले तो भी कमी, और उनके दादाजी के बारे में तो कितना बात है आप सबको मालूम है, भीमन्ना खंडे जी जो 100 ईयर्स 100 साल का सभी को मेरा नमस्कार। आज के दिन हमारे भाई फिरोज खान जी ने मुझे बुलाए थे इफ्तार के लिए, बहुत खुशी हुई, बहुत अच्छे। रमजान का महीना है तो एडवांस में सभी लोगों को मैं रमजान मुबारक बोलता हूँ, और युगादि भी है आगे के दिन में तो सभी लोगों को युगादि हब्बल शुभाशय गुण में रहती नहीं। PBA-LLB 5 साल का डिग्री कर चुका हूँ सुप्रीम कोर्ट में, इफ्तार पार्टी जो मनाया गया 10, 12, 15, 20 जो भी है, अगर 10 माता को मिले उस घर में 5 करोड़ वो 2,000 महीने को देने का, 1 साल में 24 आने का, 8 महीने से बच गया तो 16,000 उनका जो बच गया वो पैसे उनको दिलाने के बाद खुशी के क्या करता, उन्हें भी थोड़ा ये सागर खंड के सागर में मिलाने के लिए थोड़ा सा त्वरी नदी हल्द नीर मिलास्ता बोला, वैसे माताओं को मिलाना बोल करके ईश्वर साहब ये काम करो बोल करके बताया। जो काम हमको देते हैं तो सर्वज्ञ को याद करता हूँ, वट्टी तो कट्टी तेन बेड़ा मुंदे कट्टी है तो बुद्धि सर्वज्ञ बोलकर 20-20 लोगों को अध्यक्ष उपाध्यक्ष कार्यदर्शी के रूप में आहार नहीं रहने वाले, मस्जिद को जाना है या शारीरिक, ईश्वर खंडे साहब की जय हो, कांग्रेस पार्टी की जय हो, आप सबकी जय हो, अल्लाह।